कटिहार के हसनगंज प्रखंड के मोहम्मदिया हरिपुर गांव में करीब 100 साल से भी अधिक समय से हिंदू समुदाय के लोग मुहर्रम मनाते आ रहे हैं। जी हां, यहां पर इस इलाके में दूर दूर तक मुस्लिम समुदाय के कोई लोग भी नहीं है। बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा हिंदू समाज मिलकर मुहर्रम मनाता है। दरअसल कभी इस गांव में रह रहे बकाली मियाँ और छेदी शाह काफ़ी गहरे दोस्त थे, और जब बकाली मियाँ इस इलाके को छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने छेदी शाह से एक वादे पर मज़ार सौंपा कि यहाँ हर साल मुहर्रम मनाया जाए। कई साल बीते, कई पीढ़ियाँ बीती, लेकिन आज भी वहाँ पर मुहर्रम मनाया जाता है। छेदी शाह के परिवार अपने पूर्वज द्वारा किए गए वादों को आज भी निभाते हैं और पूरे गाँववासी के साथ मिलकर मुहर्रम को काफ़ी शांतिपूर्ण और धूमधाम से मनाते हैं। क्या कहानी है, कितना साल पुराना कहानी है, क्या कहानी? यह 100 साल पहले की बात है। यहाँ जो है कि हरिपुर मोहम्मदिया गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था जिसका बकाली नाम था, और यह मज़ार उसी का देन है। आज यह मज़ार पर जो है हम लोग 100 वर्षों से मनाते जा रहे हैं। उन्होंने जब उनका वंशज जो है यहाँ धीरे धीरे मरने लगा तो उन्होंने मेरे दादाजी छेदी शाह, स्वर्गीय छेदी शाह को जो है यह मज़ार सौंप दिया और वादा किया कि आप जो है यहाँ इसका देख रेख कीजिएगा और जो है इस भूमि पर आप पूजा करते रहना है आपको और देख रेख करना है। और उन्होंने मेरे दादाजी के नाम से जो है यह मज़ार लिख भी दिया, और जो है उसी दिन से मेरे दादाजी और गांव के सारे लोग इस मज़ार पर आकर के जो है माथा टेकते हैं और मुहर्रम आने पर जो है हर साल निशान उठाते हैं और मुहर्रम मनाते हैं। पूरा विधि विधान, पूरा विधि विधान के साथ मनाते हैं। और जो है आसपास के जो मुस्लिम गांव हैं, जैसे ढेरवा हुआ, जैसे आपका देहारगंज हुआ, वो लोग भी यहाँ आते हैं, हम लोगों के साथ मिलजुल करके जो है मुहर्रम का तजिया लेकर के आते हैं इस मज़ार पर, और जो है एक साथ जो है हम लोग जो है लाठी खेलते हैं और दोनों गला मिलते हैं। वहाँ के लोग भी, हिंदू भी मिलते हैं और मुसलमान भी जो है दोनों एक साथ मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं। इस इलाके में तो अल्पसंख्यक आबादी बहुत दूर तक नहीं है। नहीं, यहाँ 5 किलोमीटर तक जो है कोई मुस्लिम नहीं है। 5 किलोमीटर से के दायरे के बाद ही मुस्लिम का गांव है। मेरा नाम जयप्रकाश शाह हुआ। पूरे बिहार में क्या है यह? तो यह सुबह की जो है बड़ी अनोखा खबर है, और कई वर्षों से हम लोग जो है, जब से जनप्रतिनिधि नहीं, जब से हम लोग जो है 10 साल थे तब ये से जानकारी हुआ, और ये जो है स्वर्गीय जो है पहलाम का जो जमीन जो बताए इन्होंने, और स्वर्गीय छेदी शाह के जो है स्थापित किए गए उनके द्वारा, जो कि आज मनाते आ रहे हैं, और यह हिंदू मुस्लिम का एक प्रतीक दे रहा है, खास करके मुस्लिम भाइयों के लिए यह प्रतीक है कि हम हिंदू और मुस्लिम सब एक हैं, और हम इस चीज़ को जो है हिंदू लोग हम लोग इसको जो है बिरपन उठा रहे हैं और करते आ रहेंगे, करते रहेंगे। मनोज कुमार मंडल, पूर्व प्रमुख हसनगंज। दिल में सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत हो तो धर्म भी बीच में नहीं आता, कुछ यही बयां करती है यह रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में।